हाँ तो दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहे न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो कि है और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों के T20 का सीरीज था, उसमें पहला T20 में तो ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीती गया 215 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए लास्ट गेंद पर 4 रन मारकर। और बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 भी जीती गया, 72 रन से वो भी जीता, 174 रन बनाया, 72 रन से जीता। और तीसरा T20 जो कि बारिश के कारण 110 ओवर 4 गेंदा खेली ऑस्ट्रेलिया टीम ने, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को मिला जाके 126 रनों का लक्ष्य, तो 126 रनों का लक्ष्य को पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 98 रन बनाकर मतलब 3 विकेट खोई और मैच को 27 रनों से हार गई। एक टाइम था भाई जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ आई थी खेलने T20 मैच, 5 T20 का मैच का सीरीज था, तो इंडिया का सूर्य कुमार यादव उस टाइम कप्तान था, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहने के बाद भी इंडिया ने 5 मैच में 4 मैच जीता, वो कि लास्ट मैच जो कि अर्शदीप के गलती के वजह से हार गया, जो कि बहुत रन दे दिए, मैक्सवेल ने जिता दिया था और एक भी मैच जीतने नहीं दिया था भारत। आज ये हाल न्यूजीलैंड को करके रखा ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और कौन, तो बात करें दोस्तों हेड आए थे ओपनिंग करने और उनके साथ आए थे स्टीवन स्मिथ, 30 बॉल में 33 रन हिट्स बनाए, 3 में 4 स्टीवन स्मिथ बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 16 रन पे गिरा था स्टीवन स्मिथ, दूसरा विकेट 67 रन पे गिरा था मैथ्यू शॉर्ट के रूप में, जो कि मैथ्यू शॉर्ट 11 बॉल में 27 रन बनाए थे, 9 बॉल में 20 रन बनाए थे मैक्सवेल, जो कि चौथा विकेट मैक्सवेल का गिरा था 95 पर तीसरा विकेट। और दोस्तों बात करें 99 रन पर चौथा विकेट गिरा था हेड का, और जोश इंग्लिश जो कि 8 बॉल पर 14 रन बनाए थे, टीम डेविड 3 बॉल में 8 रन बनाए थे। तो दोस्तों अब बात करें न्यूजीलैंड की टीम उतरने आई, तो न्यूजीलैंड की शुरुआत तो उतना अच्छा नहीं रहा, फिन एलियन आए और विल यंग जो कि दोनों ओपनिंग करने आए, पहला विकेट गिर गया 19 पर, पहला विकेट गिर गया 1 ओवर 4 बॉल पर विल यंग का। और बात करें दोस्तों तो टीम शेफर्ड को 29 पर दूसरा भी झटका लगा न्यूजीलैंड को, और बात करें फिन एलियन तो 51 रन पर तीसरा झटका न्यूजीलैंड को लगा, जो कि विल यंग 7 बॉल में 14 रन बनाए, शेफर्ड 5 बॉल में 2 रन बनाए, 24 बॉल में 40 रन ग्रैंड फिलिप्स बनाए, 15 बॉल पर 17 रन चैंपियन बनाए। तो दोस्तों इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को मतलब शानदार जीत मिली, आसान तरीके से जीत मिली, कोई अच्छा दिक्कत की बात नहीं हुआ। तो बात करें दोस्तों एडम जंपा 2 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए हैं, मैथ्यू शॉर्ट 2 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिए हैं, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट जॉनसन लिए, जो कि बहुत काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।